just the grass. हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। सबसे पहले जो लास्ट एनालिसिस था मंडे के लिए, जो हमने प्लान बनाया था, उसका रिव्यू करते हैं। वीडियो अगर आपको देखना है सैटरडे का, तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो जैसे कि हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट लेवल बना रहा था 15,033 और ब्रेकडाउन लेवल बना रहा था 14,857। आज सुबह देखे तो ग्लोबल क्यूज काफ़ी मिक्स थे, सेंटिमेंट्स मिक्स थे, ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं थे, निगेटिव भी नहीं थे। तो जैसे ही निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक करने के बाद, फर्स्ट टारगेट यहाँ पर अचीव किया 15,056 और एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल के पास इसने काफ़ी देर सपोर्ट टेस्ट किया, एक बेस बनाया और यहाँ से बाउंस बैक जैसे हुआ, सेकंड टारगेट भी 15,077 ये यहाँ पर अचीव हुआ और पूरे दिन एक साइडवेज ट्रेंड में निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करते रहा। तो प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 16 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 12,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। ये था लास्ट रिव्यू, लास्ट एनालिसिस का रिव्यू। अभी सबसे पहले 60 मिनट के चार्ट पर चलते और कल के लिए यानी ट्यूसडे के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे। डेली चार्ट को देखें तो ऑलमोस्ट इनसाइड बार ट्रेडिंग जैसा ही एक कैंडल बना है, जो फ्राइडे का कैंडल था सेम उसी की तरह ये कैंडल बना है और 20 EMA को इसने फिर से एक बार रिस्पेक्ट दिया है। तो अगर कल का ब्रेकआउट लेवल देखें तो आज का जो हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल है आर्ली चार्ट में, 60 मिनट के चार्ट में, वो 15,088 के पास आ रहा है। यहाँ से फेल हुआ है निफ्टी इंडेक्स ऊपर जाने के लिए, तो 15,088 हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा और उसको अगर सस्टेन करता है इसके ऊपर तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 15,109, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा अराउंड 15,132, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और जैसे कि आप देख पा रहे 100 EMA को 60 मिनट के चार्ट में इसने काफ़ी रिस्पेक्ट दिया है, दो बार सपोर्ट टेस्ट किया और ऊपर आके क्लोज हुआ है। तो कंफर्टेबली 100 EMA के बाद नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आता है आज का लो का, तो कंफर्टेबली आज का लो अगर ब्रेक होता है कल यानी 14,920 तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 14,901, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 14,880, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के लिए इंट्राडे लेवल्स है कल के लिए। अभी बैंक निफ्टी में देखते हैं कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स बनते हैं। बैंक निफ्टी में भी आज फर्स्ट टारगेट ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक करने के बाद अचीव हुआ, सेकेंड टारगेट भी अचीव हुआ और जैसे ही यहाँ से टूवर्ड साउथ की तरफ आया एक साइडवेज पैटर्न बना गया, जब बाउंस बैक हुआ तब इसने फिर से एक बार फर्स्ट टारगेट के पास एग्जैक्ट इसने रेजिस्टेंस फेस किया। तो एज पर जो प्लान बनाया था लेवल्स भी काफ़ी सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्यूरेट साबित हुए। कल के लिए इंट्राडे लेवल्स फाइंड आउट करने के लिए 60 मिनट के चार्ट पर जाना होगा। बैंक निफ्टी इंडेक्स में अभी ऊपर की तरफ आने के लिए फिर से आप देख सकते हैं हर्डल्स है शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस का। आज इसको ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, दूसरे कैंडल में फिर से टूवर्ड साउथ की तरफ ही आ गया। तो कंफर्टेबली इसको इन लेवल्स के मूविंग एवरेजेस के जो लेवल्स है इसके ऊपर आने दीजिए, यानी अराउंड 35,598 के ऊपर अगर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी इंडेक्स कल तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 35,654, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा अराउंड 35,713, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो आज का जो लोएस्ट क्लोज है बैंक निफ्टी इंडेक्स का 60 मिनट के चार्ट में, उसके जस्ट नीचे यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्विंग लो भी पास्ट में 4 दिनों पहले यहाँ पर बनाया है और फ्राइडे के दिन भी कुछ इसी लेवल के पास से ये फिर से ट्रेंड रिवर्सल इसने दिखाया था एक छोटा सा। तो 35,166 को अगर ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 35,084, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 34,977, ये हमारा 982 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा।
तो ये है बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए यानी 9 मार्च के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।